सो है फ्रेंड, कैसा आप लोग? आई थिंक बहुत ही अच्छे होंगे। आपका गेम भी ओपन हो चुका होगा। ओपन नहीं हुआ तो जाके ओपन करो, देखो गेम चालू हो चुका है, मेंटेनेंस हो चुका है ख़त्म। मैं बहुत देर से वीडियो बना रहा हूँ इसके लिए सॉरी, और बहुत दिन के बाद वीडियो बना रहा हूँ उसके लिए भी सॉरी। आज से रोज़ वीडियो मिलना चालू हो जाएगा, दो एक दिन डिले हो सकता है पर उसके लिए सॉरी। तो आज होगा सिर्फ लीक्स और अपडेट के ऊपर बात, इन गेम के अपडेट और आउट गेम के लीक्स के ऊपर, और कुछ भी नहीं होगा। तो लेट्स गो। तो पहली बात हम लोग शुरू करते हैं क्यों हमारे गेम में आज मेंटेनेंस पड़ा बहुत दिन के बाद, मतलब सडनली। तो हुआ एक ही मेंटेनेंस 19 सितंबर को अनाउंस किया गया था बहुत ही देर से। तो वहां पर मेंटेनेंस हुआ था सिर्फ एक चीज़ के लिए ही, इंक्यूबेटर के लिए ही सिर्फ मेंटेनेंस हुआ था, और एक कोई भी अपडेट मेंटेनेंस नहीं था। और आप लोगों को पता नहीं होगा, मतलब 99% बंदे को पता नहीं होगा कि इंक्यूबेटर में क्या चेंज किया है। वो लोग जानते ही नहीं है, किसी ने भी अभी तक नहीं बोला इंक्यूबेटर में क्या चेंज आया है। तो चलो मैं आपको आज बोलूँगा क्या चेंज हुआ है इंक्यूबेटर के अंदर, किस लिए अपडेट आया है हमारा। चलो तो फ्रेंड देखो कि यहाँ पर न्यू जो है और आगे जो था वहाँ पर देख सकते हो, पैंट के अंदर जो टैटू था वो हटा लिया गया है, चेस्ट में जो टैटू था हटा लिया गया है, मतलब राइट लेफ्ट हैंड में जो टैटू था हटा लिया गया है, मार्क्स में जो टैटू था हटा लिया गया है। क्योंकि ये जिस सर्वर का, मतलब ब्राज़ील या दूसरे सर्वर में जो ये टैटू है, ये उस मतलब उस जगह का थोड़ा सा, मतलब क्या बोलूँ, फ्लैग में यहाँ पर कुछ ऐसा जगह में लगा हुआ था, मतलब मुझे ढंग से नहीं पता पर ऐसा लगा हुआ था, इसलिए ये टैटू यहाँ से हटा लिया गया। क्योंकि ऐसे टैटू यहाँ पर देना ठीक नहीं होता। वो लोग बहुत बोल रहे थे कि ये टैटू यहाँ पर क्यों है, क्यों है, इसलिए देख सकते हो जो जो टैटू यहाँ पर बना हुआ था मुझे ठीक से भी दिख नहीं रहा। आप लोग भी ठीक से देख के बोलो आपको क्या लग रहा है टैटू। मुझे तो जो लीक्स मिला अकॉर्डिंग टू लीक्स यही मैं जानता हूँ कि वो जो सर्वर का कुछ मतलब ये था उसके लिए ऐसा हुआ। और आप भी बोलो कैसा लगा, ये आपको पता था पहले या नहीं पता था? नहीं पता तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, और पता था फिर भी लाइक कर दो। तो आज तो फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, जो ये तो ख़त्म हो गया हमारे इंक्यूबेटर के ऊपर जो जो अपडेट आया था आज। तो हम लोग शुरू करेंगे इस बार हमारा जो नेक्स्ट अब लीक्स अपकमिंग तो उसके ऊपर। तो कुछ ही दिन के अंदर अंदर आप लोगों को मिल जाएगा ये सब न्यू न्यू चीज़। देख सकते हो दो तीन चीज़ तो आ ही चुका है, या दो तीन चीज़ जल्दी हमारे गेम के अंदर आ जाएगा फ्री में। तो यहाँ पर न्यू एक जो बंडल आया था इंक्यूबेटर में हमारा समुराई बंडल, वो अब स्पिन में भी आएगा बहुत ही जल्दी। ये तो दूसरे सर्वर में आ चुका है, 60 डायमंड और 270 डायमंड। तो आपको कैसा लगा बोलो? मुझे एकदम वाट नहीं लगा, एकदम अनवाट लगा है। देख सकते हो यहाँ पर जो बोल रहा है अकॉर्डिंग टू लीक्स, में नहीं बोल रहा हूँ ये सच है या गलत है, ये जो न्यू कॉस्ट्यूम है डेविल वाला कॉस्ट्यूम, ये हमको हमारा मतलब जो बोलते हैं ना डायमंड रॉयल सेक्शन, वहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। और यहाँ पर जो बैकपैक और सब बोर्ड और लूट बॉक्स है, ये भी हम लोगों को डायमंड रॉयल में के अंदर ही देखने को मिल जाएगा, जो अकॉर्डिंग टू लीक्स और यूमर बोल रहे हैं। गडीना ने मतलब बोल ही दिया कि एड्रेस आएगा ही आएगा। और हमारा हेलोवीन तो हमारा दूसरे मतलब मंथ से शुरू हो जाएगा, जो हमारा नेक्स्ट मंथ अक्टूबर है वहाँ से शुरू हो जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा अपडेट आप लोग को मिलना शुरू हो जाएगा अक्टूबर से, तो उसके लिए स्टे ट्यून रहना। पर मुझे नहीं पता है एक ही मतलब डायमंड रॉयल में आएगा या फिर हमारा स्टोर सेक्शन में आएगा, मुझे तो नहीं पता। पर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ हमने बता दो क्या आपका राय है। तो जाते जाते इन गेम अपडेट को कुछ बोल के चलते हैं क्या क्या न्यू चीज़ आए। आई थिंक आप लोगों को पता है फिर भी नोटिफिकेशन देना आपको जानता है। तो चलो हमारा इन गेम अपडेट के अंदर पहला इन गेम अपडेट हमारा P90 के ही ऊपर, या दूसरे सर्वर में P90 का 35 डायमंड में स्पिन चल रहा है, हमारा सर्वर में कितना 50 डायमंड का चल रहा है। ये हमारा P90 का फैंटम P90 है, डैमेज डबल है, रिलोड स्पीड एक है और एमओ कम है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक ठाक ये स्किन है। पर जो रेट ऑफ फायर वाला ज़्यादा वाला आया है वो बहुत ही अच्छा है। मैं देख सकते हो मैं खेल ही रहा हूँ P90 लेकर, अच्छा खासा डैमेज दे रहा है 26 का, तो मुझे बोल रहा हूँ ठीक ही है, उतना भी ख़राब नहीं है। तो आप बोलो कैसा लग रहा है P90? मुझे तो दो दिन के लिए मिला, मैं बहुत ही जल्दी स्पिन किया फिर भी मुझे नहीं मिला, मैंने आई थिंक 7-8 स्पिन किया था। आप लोग बोलो कितना स्पिन किया और आपको परमानेंट मिला या नहीं मिला। तो नेक्स्ट है हमारा हैकर के ऊपर कुछ बोलना चाहता हूँ मैं, जो जो हैक करते हैं प्लीज़ हैक मत करो, क्योंकि बहुत ही जल्दी हमारे गेम मतलब क्या बहुत जल्दी मतलब क्या बोलूँ, हैक तो हो रहा है गेम पर, हैकर्स का बहुत डिमांड बढ़ चुका है। तो हैकर्स
को बैन भी नहीं कर रहा था गरीना इतना दिन से, तो अब एंटी हैक चालू हो चुका है गरीना के अंदर, तो अब जो भी हैक करेगा पकड़ा गया तो सस्पेंड कर दिया जाएगा। और सस्पेंड मतलब मुझे अभी तक नहीं पता कि ये परमानेंट है या फिर 3 मंथ 6 मंथ 1 ईयर के लिए है। तो आप बोलो आप क्या हैक किए हो, हैक करना एकदम ठीक नहीं है, गेम को गेम की तरह से खेलना चाहिए, हैक करके कुछ भी नहीं होगा। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बोलो। और जो पिक्चर तो आप लोगों ने देख लिया, हैक का पिक्चर है गरीना का ऑफिशियल से ही छोड़ा गया है बहुत लोग के अकाउंट, मेरा भी बहुत दोस्त का अकाउंट हैक हो चुका है, मैंने बोला क्यों हैक किया, अब मुझे बोल रहा है। तो आप लोगों ने प्लीज़ हैक मत करो, प्लीज़ हैक को मैं एकदम प्रमोट नहीं करता। तो आप लोग बोलो क्या है, ठीक है या गलत है, और प्लीज़ हैक मत करो। तो इतना था गेम का अपडेट, इन गेम और आउट गेम और लीक्स जो भी आप बोलना चाहते हो, और कुछ भी नहीं इन गेम आउट गेम के अंदर जो भी है। और कल मैं बोल दूँगा श्योर शॉर्ट में कल एक वीडियो ला दूँगा, क्योंकि अभी से मैं ज़्यादा एक्टिव रहने की कोशिश करूँगा गेम मतलब यूट्यूब के अंदर, ज़्यादा व्यूअर ज़्यादा सब्सक्राइबर मत आए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको नोटिफिकेशन मतलब आपको नोटिफिकेशन देना मेरा मतलब लीक्स और अपडेट देना मेरा फर्ज है, तो मैं ज़रूर देता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही, चलते मिलेंगे, बाय बाय। चैनल सब्सक्राइब कर दो जाने के पहले, और बेल बटन को जरूर दबाना, वीडियो अच्छे तो लाइक कर देना, चलते मिलेंगे, बाय बाय।